डिस्क ब्रेक पर यह छेद क्यों होते हैं? गाड़ी के मिरर पर वार्निंग क्यों लिखी होती है? आखिर प्लास्टिक के कुर्सी के बीच ये छेद क्यों होता है? ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े क्यों होते हैं? ये सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कभी आपने यह सोचा है कि अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? जब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है तो काला चश्मा क्यों पहनते हैं? तो चले दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों जब भी अंधे लोग बाहर निकलते हैं और उनकी आंखों पर सनलाइट पड़ती है तो उनकी आंखों में जलन होने लगती है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती है। उनको जलन महसूस ना हो इसलिए वो काला चश्मा पहनते हैं, और काला चश्मा साइन के रूप में भी काम आता है, जिससे पता चलता है कि यह व्यक्ति अंधा है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कभी आपने यह सोचा है कि सभी गाड़ियों के टायर सेम होते हैं, लेकिन एक ट्रैक्टर ही ऐसा गाड़ी है जिसका पीछे वाला टायर बड़ा होता है, और ऐसा क्यों होता है? तो चले दोस्तों इसके पीछे का रीजन जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाए रखता है, और यही कारण है कि ट्रैक्टर के पीछे पहिए बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के चेयर के बीचों बीच एक होल होता है, और यह होल क्यों होता है? दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ छेद कुर्सी को उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसा कि आपको पता होगा कि अक्सर एक्सटर्नल एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, अगर यह होल नहीं होगा तो वह एक्सटर्नल आपस में एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से चिपक जाएंगे, और या फिर इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, जिससे कुर्सी टूटने का खतरा हो सकता है। इसलिए प्लास्टिक की कुर्सी के बीचों बीच एक होल होता है। और दोस्तों आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो और आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने देखा होगा कि सभी गाड़ियों के लेफ्ट और राइट दोनों मिरर में एक वार्निंग टाइप का कुछ लिखा रहता है, और यह क्यों लिखा रहता है? अगर दोस्तों आप यह नहीं जानते चलिए दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों इस वार्निंग का मतलब होता है कि इस हिस्से में आपको जो चीज दिखाई दे रही है वह उतनी दूर पर नहीं है जितनी दूर आपको दिखाई दे रही है उससे बहुत ज्यादा पास होती है। यानी कि अगर आप कोई गाड़ी को साइड मिरर में देखेंगे तो वह आपको बहुत दूर दिखाई देगी, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको वह गाड़ी उससे कई ज्यादा पास दिखाई देगी जितना कि आपने शीशे में देखा है। इसलिए यही वार्निंग लिखी जाती है साइड के मिरर में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप में से सभी तो बाइक और कार चलाते होंगे, कभी दोस्तों आपने एक बात पर ध्यान दिया कि टायर में लगी इस डिस्क ब्रेक के साइड साइड में ये छेद क्यों होता है? अगर दोस्तों अगर आप इस बात पर ध्यान दिया होगा तो आपके मन में आया होगा कि यह छेद क्यों होता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पहले के समय में डिस्क ब्रेक पर कोई भी छेद नहीं हुआ करता था, और जब भी गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता था तब यह प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति इस प्लेट को छू लेता था तो उसका हाथ जल जाता था, और कई बार ज्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक काम नहीं कर पाते थे, और उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक बनाए गए। लेकिन ज्यादा समय तक ब्रेक का यूज करने से वह पिंगल कर गाड़ी से अलग हो जाते थे। उसके बाद इन ब्रेक पर छोटे छोटे छेद बनाए गए ताकि इससे हवा आर पार हो सके और यह गर्म भी ना हो और ब्रेक ज्यादा समय तक चल सके। और दोस्तों यही कारण है कि सभी गाड़ी के टायर के डिस्क ब्रेक के साइड साइड ये छेद छेद होता है। दोस्तों रोज ऐसा फैक्ट देखने के लिए अभी इस चैनल टीवी फैक्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।